जिसके बाद तो चाप वो जिस के बाद तो एज प्लेयर भी शायद खेले उन्होंने एक दो मुझे नहीं पता वो उनके मुंह से निकली हैं या वो मीडिया की उछाली हुई चीजें हैं कि उन्होंने कहा है कि, कि मैं सत्ताईस का वर्ल्ड कप खेलना चाहूंगा वीरू जैसे एमएस धोनी इसने बहुत नेचुरली ट्रांजिशन करके विराट कोहली को कैप्टेंसी दी और एक अजय जडेजा का एक कोट भी है कि इंडिया में आज तक कैप्टेंसी कभी ट्रांजिशन जो है सिर्फ एक बार ही हुई है बाकी बार छीनी गई है या ली गई है एंड सेम विद विराट कोहली ने भी कभी छोड़ी नहीं छोड़ी नहीं उनसे छीनी गई, गई, गई राइट इवन उससे छीनीस धोनी के टाइम पे वो राहुल द्रविड से छीनी गई थी हाँ, लिटरली हाँ. राहुल द्रविड को वनडे टीम से ड्रॉप किया गया उनके टेस्ट फॉर्म वाज ऑल ओवर द प्लेस उससे पहले इवन सौरभ गांगुली से भी छीनी ही गई थी तो आपने बिल्कुल सही बोला है ये पॉइंट बिल्कुल सही है ओनली नेचुरल ट्रांजिशन हैज बीन धोनी टू विराट कोहली अब जैसे अब रोहित शर्मा आज आपने कहा कि हैप्पी बर्थडे टू हिम आज उनका थर्टी है। अगर आप देखें अगर क्रिकेटिंग हिस्ट्री की बात करें सचिन के अलावा ऐसा कोई नहीं है कि जिसने चालीस के राउंड या इस तरीके से धोनी हाँ। ने 2019 में रिटायरमेंट ली है मतलब लास्ट मैच जो था दो में उन्होंने छोड़ दी थी पैंतीस छत्तीस साल के उन्होंने कैप्टन तो रोहित ऑलरेडी सीड कर चुके हैं इंडिया के रहे हैं ख्याल कोई भी नहीं रहे इतने ओल्ड कैप्टन शायद

एंड उसके बाद ये ये बात होने लगी कि अब बात होती है कि शुभमन गिल आ जाएंगे और तीनों इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ में आती है जब विराट कोहली कैप्टन बने थे वो बहुत यंग थे यंग थे जब रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं वो बहुत एज थे जैसे के राहुल भी है वो भी थर्टी प्लस है

Exactly. और फोर्टी के अराउंड होने वाले होंगे या होने वाले होंगे बिकॉज साउथ अफ्रीका में है तो शायद थोड़ा जल्दी हो वर्ल्ड कप मार्च अराउंड हो तो फोर्टी की एज में एज ए कैप्टन और एज अ मेन प्लेयर वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा आई थिंक बड़ी चीज हो जाएगी वो तो अदरवाइज नेक्स्ट इन तो मुझे लगता है स्प्लिट कैप्टनसी ही होगी बिकॉज हाँ. uh, अगर आप वाइट बॉल की बात करें तो आपके पास बहुत सारे कंटेंडर्स हैं टेस्ट की बात करें तो आज के डेट में के राहुल शुभमन गिल रेगुलर्स भी नहीं है

धोनी कैप्टेंसी और ज्यादा चलती अगर विराट कोहली उस तरह के रन ना बनाते राइट

इस बार बिल्कुल थकी हुई टीम लगी है बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ रीजंस तो वो मुझे लगता है बट अगर आईपीएल शुरू होने से पहले मैं शुभमन गिल को टॉप 15 का पार्ट नहीं देख रहा था हाँ. मतलब अगर आप मुझसे 20 मार्च आ, को भी पूछते तो हाँ. मैं यही कहता कि शुभमन गिल ऑटोमेटिक सिलेक्शन इस वर्ल्ड कप टीम के नहीं है तो टेस्ट में भी अभी वो 100% परसेंट सर्टिन नहीं है अगर आप पिछला इंग्लैंड सीरीज निकाल दीजिए तो शुभमन गिल की कोई बात भी नहीं कर रहा था एल राहुल वो आ। कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं इंजर्ड रह रहे हैं शुभमन गिल की भी वैसी कहानी है श्रया श्रया आउट हो चुके हैं उसके बाद अभी जायसवाल बहुत नए हैं उनके बारे में बात नहीं कर सकते विराट कोहली और रोहित शर्मा फेजिंग आउट प्लेयर्स हैं तो इसलिए आपके पास टेस्ट में कोई सर्टन दिख भी नहीं रहा जो कैप्टनसी मटेरियल है एक्सेप्ट बुमराह अगर तो फिर बुमराह हर मैच खेले उसके चांसेस कम हो जाते हैं तो इसलिए अगला एक साल डिसाइड करेगा कि टेस्ट के साथ क्या होने वाला है